माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के आदेश के बाद धार की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। 22 मार्च से शुरू हुआ सर्वे का आज 12वां दिन है। वहीं मंगलवार होने से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग दर्शन पूजन के लिए भोजशाला पहुंचे। आपको बता दें कि प्रति मंगलवार हिंदू समाज भोजशाला में माँ सरस्वती का पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ सहित भजन कीर्तन करते हैं। दर्शन करने पहुंची कुसुम राठौर ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से लगातार यहां पर प्रति मंगलवार को दर्शन के लिए आती हैं। सर्वे चल रहा है जिससे उन्हें बहुत खुशी है कि जल्द ही माँ सरस्वती यहां विराजित होंगी। वहीं लखनऊ निवासी मुख्य याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी भी भोजशाला पहुंचे। कुलदीप तिवारी ने ही याचिका क्रमांक 10484 और 10497/2022 लगाई है। 10484 कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने मेन याचिका बनाई है। कुलदीप तिवारी ने कहा कि जानकारी के अनुसार सर्वे में तलघर मिला है, नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली है। तलघर का सर्वे करेंगे तो बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे जो आज तक छुपे हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, आज पूजन में शामिल हुए सर्वे में भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सर्वे पर रोक नहीं लगेगी और बिल्डिंग में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना की जाए। बिना किसी छेड़छाड़ के ही एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, अंदर सर्वे चल रहा है, कार्बन डेटिंग भी होगी, खंभे, जमीन, मूर्तियों से जो भी साक्ष्य मिलेंगे और केवल कोर्ट में रखने की बात है, सब कुछ दिख रहा है, छुपाने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि हम न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले हैं। देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, संसाधन हमारे हैं और न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए हमारे तथ्यों को हमें कोर्ट के सामने रखना है। कोर्ट के सामने रखकर ही हम विजय पा रहे हैं, किसी प्रकार हल्ला नहीं कर रहे। वहीं सुबह सर्वे के दौरान पहुंचे मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि हमने सर्वे पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जो वहां नए एविडेंस पैदा किया जा रहा है उस पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को रखा है तथा खुदाई पर रोक लगाई गई है। साथ ही मुस्लिम पक्षकार ने कहा कि जैसे दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की ओर से ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है, भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही है। मैं बड़वानी का रहने वाला हूँ, बड़वानी के पास ग्राम गणपुर का, पर गांव के होने के नाते पर एक फर्ज है मेरा शहर के लिए भी है, देश के लिए भी है और भारत के लिए भी है कि ऐसा कब तक हिंदुओं के लिए अत्याचार होता रहेगा, कब तक ये मंदिरों पे कब्जा करते रहेंगे और कब तक हमारे मतलब हमारे मन में एक हिंदू है, हिंदू भावना तो है और साथ में दया भावना भी है, पर ऐसा सब क्यों नहीं करते हैं। अभी सर्वे चल रहा है और आप आज मंगलवार को भोजशाला में आए? मैं मंडी में आया था एक्चुअली, पर थोड़ा सा मेरे को लगा, मैंने जाए तो सोची मंदिर में क्या है क्या ये, पर देखा है वहाँ पे पूरा मंदिर में जो कमर वगैरह लगा पूरा हिंदुओं का पूरा तो अलग ही दिख रहा है, वहाँ पे गुंबज अलग ही दिख रहा है, तो ये क्यों मतलब ऐसा बदला, तो स्वरूप क्यों बदलता है? 100% मंदिर है, मैं हिंदुओं के नाते नहीं कह रहा हूँ, जो धर्म सभी धर्मों को मानता हूँ मैं, ऐसा नहीं ऐसी बात नहीं है, पर जो एक है हिंदुओं के लिए कि हिंदुओं का मंदिर है ही वो। आज मंगलवार था, काफ़ी संख्या में भक्तजन पधारे हैं यहाँ पे, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, राम स्तुति हुई, बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आकर। कितने समय से आ रहे हैं आप? करीब मैं 20 सालों से आ रही हूँ। क्या लगता है सर्वे चल रहा है? पूरी उम्मीद लग रही है कि हमारा मंदिर माँ सरस्वती का मंदिर होगा, बनेगा, जल्द माँ विराजमान होगी। और जो याचिका संख्या 10484 है और एक याचिका है 10497/2022, ये दोनों अपनी ही याचिका हैं, जिसमें से 10484 है वो कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको माननीय इंदौर हाई कोर्ट ने मेन याचिका बनाई है। तो दोनों याचिकाएं एक विशेष प्रयोजन के साथ लगाई गई हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारी बात सुनी गई माननीय न्यायालय ने, हमने तथ्यों के साथ बातों को रखा है, उन्होंने एएसआई सर्वे का निर्देश दिया है। सर्वे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, मुझे जो जानकारी है सर्वे में एक तलग्रह भी मिला हुआ है, सीढ़ियाँ भी मिली हुई हैं तलग्रह में अंदर जाने के लिए जो अभी तक दबा हुआ था, तो जब हम तलग्रह का भी सर्वे करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जो अभी तक छुपे हुए थे, अब लोगों के समक्ष आएंगे। तो इंदौर हाई कोर्ट में जो याचिका है 10484 के अंतर्गत, उसको मेन केस बना करके आगे की कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ में अशोक जैन जी भाई साहब हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, राजेश शुक्ला जी भाई साहब, इन सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा
उस केस को करने में, और सब लोगों ने मिल करके ही इस केस को आगे बढ़ाया है और निश्चय ही हम लोग इस पर पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे बहुत शीघ्रता से। हाँ, सर्वे में शामिल होने के लिए ऑर्डर है हमारा, और उसमें ऑर्डर में माननीय इंदौर हाईकोर्ट में ने ये लिखा हुआ है, ऑर्डर दिया है कि दो या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम बोथ द पेटिशंस, तो दो पेटिशंस उसमें मेंशन है, वो 10484 497 की बात हो रही है। क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मैं रोज़ सर्वे में यहाँ सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ, आज मैं आया हूँ, आज पूजा में भी भाग लिया है, सर्वे में भी आज रहूँगा। तो इस तरीके से हमने याचिका में कहा था कि जो ये प्रशासन की गलती है कि उन्होंने नोटिस 10484 के याचिकाकर्ता हैं उनको नहीं जारी करी थी, 10484 में दो याचिकाकर्ता हैं तो उनको भी नोटिस जारी करनी चाहिए थी, तो ये प्रशासन की तरफ से गलती है, तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हमने लगाया हुआ है न्यायालय में, और आज संभवतः उस पर सुनवाई भी होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल बहस हुई थी और कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि सर्वे विधिवत एज इट इज, जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है उसके आधार पर जारी रहेगा सर्वे, सर्वे में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार से बिल्डिंग को छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। तो बिल्डिंग को सर्वे में हम वैसे भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से बिल्डिंग का कोई तोड़फोड़ तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो ये एक जो एक संदेश देना चाहते थे कोर्ट, उन्होंने दिया, हम उसका पालन कर रहे हैं, ASI उसका पालन कर रही है, तो बिल्डिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है, सर्वे जारी रहेगा, खुदाई भी होगी, कार्बन डेटिंग भी होगी, खंभों से लेकर के जमीन से लेकर के मूर्तियों से लेकर के जो भी साक्ष्य हम निकाल सकते हैं वो सारे साक्ष्य निकलेंगे। और केवल देखिए, कोर्ट में रखने की बातें हैं, सब कुछ प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है, छुपा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले हैं, देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, देश के संसाधन हमारे हैं, तो हम बाहर जाकर के उपद्रव नहीं काटते हैं, हम न्यायिक लड़ाई लड़ते हैं, और न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए हमको अपने साक्ष्यों को, तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना है, तो कोर्ट के सामने रख करके ही हम विजय पा रहे हैं, किसी प्रकार का हो हल्ला हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारी विजय निश्चित है, और इतिहास के तथ्यों के साथ में हमने कोर्ट में याचिका दाखिल करी है, और उसी का नतीजा है कि माननीय न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया हुआ है, हमारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, हमारी बहस को सुनकर के। देखिए, हमने पहले भी ये आप लोगों को और जो भी है जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो नई चीज़ें हो रही है सर्वे के नाम पर उससे हमें दिक्कत है, और ऑब्जेक्शन हमारा वही है, और वही के वही चीज़ माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी सुनी है और रखी है बात पूरी, और जो चीज़ नई चीज़ें की जा रही है अंदर, मतलब खुदाई के जरिए और जो भी जरिए की जा रही है, उसमें नई एविडेंस क्रिएट करने का उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल साफ तरीके से इनकार कर दिया है कि आप कोई इसमें नए एविडेंस क्रिएट नहीं कर सकते, बाकी आप आपका सर्वे जारी रखिए। खुदाई पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जो मुस्लिम समाज की सबसे पहली खुशी की बात है। तो जनरली जो खुदाई वो कर रहे हैं शुरू से, उसमें इमारत को ही तो नुकसान हो रहा है, इमारत की बेस में खोदा जा रहा है, इमारत से दूर नहीं खोदा जा रहा है, इमारत की बिल्कुल न्यू में खोदा जा रहा है, तो उससे इमारत में नुकसान हो गई ना जब खुदाई होगी तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं निकला, ये भ्रामक जानकारी है, उसको बिल्कुल गुप्त रखा जा रहा है अधिकारी के द्वारा, और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, और जो चीज़ें निकल रही है वो लोग ये दिखा नहीं रहे, और जो चीज़ नहीं निकल रही वो अनुमानित तौर पर जबरदस्ती भ्रम की जानकारी फैलाई जा रही है। जैसे बहुत सारे बॉटल के टुकड़े निकल रहे हैं, कांच के टुकड़े निकल रहे हैं, छोटे मोटे पत्थर निकल रहे हैं, जिससे कि जो अपन भी नॉर्मली तौर पर आम इंसान भी जो मकान बनाता है तो न्यू में पत्थर जो डाले जाते हैं छोटे गोल, वो निकल रहे हैं, और कुछ हड्डियां निकल रही है, बाकी और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है। अब ये तो वही तय करेंगे,